शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जेजेन टीम की तरफ से। इस वक्त जेजेन की टीम श्री लटूरिया जो बाबा का मंदिर है वहां पे मौजूद है। मैं आपको बता दूं आज जेजेन की टीम शहर में निकली है, किस तरीके से जो है जन्माष्टमी का पर्व बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले किस तरीके से हल्द्वानी में जो है जन्माष्टमी का पर्व बनाया जा रहा है, और आपको दिखाएंगे कितना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। तो चलिए आपको दिखा। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? अमिता लोशाली। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे खुशी हो रही कि यहाँ इतना सजा हुआ है और बड़े दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप इससे पहले भी आती थी? हाँ, पिछली बार भी मैं आई थी। किस तरीके से पिछली बार कार्यक्रम हुआ था? इस बार गाने वगैरह भी? हाँ, पिछली बार भी गाने हुए थे, मैं पूरा देख के ही गई थी यहाँ से। मैं 9 बजे करीब गए थे। रात भर आप रहती हैं? हाँ हाँ। किस तरीके से इंजॉय करती, थोड़ा सा बताइए लोगों को। मतलब करते ही इंजॉय अच्छी तरह हम ले लेते हैं अपने दिल से, मुझे अच्छा लगता है बहुत ही यहाँ पे आना। फास्ट है मेरा इस वजह से। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिश्चंद्र नोटियाल। सर कैसा लग रहा है जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में आए आप? जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ सारे देश भर में मनाया जा रहा है, मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में एक महत्वपूर्ण मुख्य अंतर बताते हैं, जिसमें बताते हैं कि भगवान राम अपने लाइफ में कभी हंसे नहीं और भगवान श्री कृष्ण कभी रोए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का चेहरा देखते ही सब लोग अपने आप में खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, तो हमारे और आप सबके लिए बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है, और हम मथुरा और काशी और वृंदावन सब यही मना रहे हैं। सब लोग सारे रात भर भजन होंगे, आप और हम सब लोग आनंद मना रहे हैं। बड़े भव्य तरीके से भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गाने सब लोग भजन गा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के भजन तो अपने आप में जो है मनमोहक हैं। और हाँ, और हर किसी, हाँ आज के दिन जो है लोग रसखान को भी याद करेंगे, सूरदास को भी याद करेंगे, राधा रानी को भी याद करेंगे, रुक्मणी को भी याद करेंगे, भगवान श्री कृष्ण तो अपने आप में है ही हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? सविता अग्रवाल। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी के मौके पर आप मंदिर में आई है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या कहना चाहेंगे? यही कि सब लोगों को आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। हर साल आती हैं आप यहाँ पे? नहीं, मैं बाहर से आई हूँ। बाहर से आई हैं जी। कैसा लग रहा है फिर आज? आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे मनाई जन्माष्टमी इस बार? कैसे मनाई? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मनाई है सबने, खूब उत्साह पूर्वक मनाई है। ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मंजू गोयल। आप यहीं से? हल्द्वानी से। तो कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा ही लगता है। हर साल आती हैं आप? हर साल आते हैं। तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, तो अच्छे से झांकियाँ लगती हैं। हाँ। मंदिरों में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, सब बढ़िया लगता है। आज आप अभी आ रही हैं या कल भी आई थी? कल नहीं आए थे, आज ही आए। आज ही आए, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। कल और आज में कितना अंतर था पंडित जी? जैसे कल 2 दिन में आई थी। कल तो सबसे ज्यादा
भक्तों का आगमन था। भक्त लोग आज भी आएंगे लेकिन आज थोड़ी संभावना कम। कल जितने भी परिवार जन थे सभी के व्रत भी थे तो लोग दूर दराज से भी आए थे, लेकिन उत्सव का आनंद लेने के लिए आज भी भक्त लोग आएंगे। हाँ, कल भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कल मंदिर में बहुत लगभग 5000 भक्तों का आगमन हुआ था और लगभग रात्रि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खूब भक्तों ने खूब आनंद लिया। आज भी कितने बजे तक अभी है? जी रात्रि 12 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। जी रात्रि 12 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, रात्रि 12 बजे भगवान की पावन आरती एवं प्रसाद वितरण का। तो देखा आपने जो प्राचीन श्री राम जी का मंदिर है, यहाँ पे बड़े भव्य तरीके से जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जय जिन की टीम आगे भी मंदिरों में जाएगी और आपको दिखाई किस तरीके से जो है हल्द्वानी में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वक्त जय जिन की टीम श्री लटूरिया बाबा मंदिर में मौजूद है। मेरे आसपास आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से यहाँ पे भव्य जो है भीड़ लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ है। जो है जन्माष्टमी के पर्व पर लोग बड़े ही भव्य तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़े ही मग्न तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और जो है जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। इसी के साथ ही जय जिन की टीम यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करेगी किस तरीके से वो इस बार जन्माष्टमी मना रहे हैं और कैसा जो है उन्हें लग रहा है। तो चलिए बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? कमल। राधे राधे, कैसा लग रहा है ये बताइए? जन्माष्टमी का पर्व है, बहुत अच्छा। किस तरीके से मनाया आज आपने? आज आप आइए मंदिर में, घर पे अपने सजाया है काफी मैंने, झूला वूला सजाया है कृष्ण जी का और अब रात को 12 बजे जन्म करूंगी उनका। मतलब जैसे इस बार ना 2 दिन मनाए थे तो आपने आज बनाया? मैंने आज आज बनाया। हाँ। तो आपने क्या कुछ कार्यक्रम किया आज घर में? वही वो सजावट वगैरह, झूला सजाना, चौकी बनाना फूलों से एकदम पूरा। अच्छा। और कृष्ण जी का दोबारा से रीबर्थ करूंगी अभी रात को 12 बजे। बताइए, आप हर साल बनाती हैं? हर साल। हाँ, क्या कहना चाहेंगी सबको? राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार मैम, आज जन्माष्टमी है, मंदिर में आई है, आप कैसा लग रहा है और किस तरीके से बना रही है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन का था जन्माष्टमी, काल था आज था, हम लोग तो काल ही बना लिए। हाँ। बट आज देखने के लिए आए थे वो मंदिर कैसा है, मंदिर तो बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत अच्छा फीलिंग्स भी आ रहा है, नहीं वो भगवान है करके। तो आप हर साल आती हैं? हाँ? नहीं, मैं तो अभी नया, हम लोग उड़ीसा से हैं, हम लोग इधर आए थे रहने, हम रह रहे हैं इधर। अच्छा। तो आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं जन्माष्टमी? जैसे आपने हम लोग तो अच्छे मनाते हैं, जैसे भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भाई भोग पढ़ते हैं और मतलब अभिषेक करते हैं, वैसा ही बनाते हैं। और फिर रात को जो होता है कि जब? हाँ रात में, हाँ जैसे ही झूला झूलना है वो मतलब बैठते हैं वो होता है। तो आज आप हल्द्वानी के मंदिर में आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। ओके, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है जन्माष्टमी का पर्व है और बड़ी भीड़ लगी है मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से बैठे हैं और किस तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं ये बताइए? आधा घंटा हो गया। कहाँ से आए हम? यहीं हल्द्वानी से। हल्द्वानी से आए? हर साल आते हैं आप यहाँ? हाँ। किस तरीके से कार्यक्रम होता है मंदिर में, थोड़ा सा बताइए। सही होता है, भीड़ भाड़ होती है काफ़ी, कल तो काफ़ी थी भीड़। कल किस तरीके के कार्यक्रम हुए थे? कल तो यहाँ प्रोग्राम हुए थे बच्चों के। अच्छा, झांकी वगैरह भी निकली? हाँ, निकली थी। कल तो हम आए नहीं थे वैसे, मगर निकलती है, हर साल आते थे, अगले साल भी नहीं आए, अब की आए, इस बार आए हैं। हाँ, अब वैसे हर साल आते थे। हर साल आते? हाँ। इस बार आपका फास्ट भी था तो कैसा रहा? नहीं, आज मैं डायबिटीज़ है मुझे, मैं नहीं रहती। तो किस तरीके से मनाते हैं जन्माष्टमी को ये बता दीजिए? अब ऐसे ही बच्चे हमारे तो घर में ही, अगले साल घर में ही कर लिए थे, अब की साल हम लोग यहाँ लेके आए तो घर में फिर नहीं किया। अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? भैरू प्रसाद। सर, किस तरीके से जन्माष्टमी मना रहे हैं, मंदिर में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम हुए थे आज मंदिर में? कार्यक्रम यही जन्माष्टमी का महोत्सव मना रहे हैं सर, बच्चे बच्चे अब बच्चों का आए तो हम भी आ गए, हमने कहा चलो घूमते हैं क्या। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने हल्द्वानी में आज जो है जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मैं आपको बता दूं इस बार जो है पूरे देश भर में 2 दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। मैं आपको बता दूं 6 और 7 सितंबर को, और हल्द्वानी में भी दोनों दिन बनाया गया और कल भी यहाँ जो है भव्य तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया था। और आज जो है, आज भी जे ने आपको तस्वीरें दिखाई हल्द्वानी के लटूरिया श्री महाराज की भी और जो है श्री प्राचीन मंदिर की भी, कि किस तरीके से यहाँ जो है भव्य तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और रात 12 बजे तक का यहाँ जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये थी जे की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।